राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को जैसलमेर पहुंची। राष्ट्रपति ने जैसलमेर में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर महिला का सशक्त होना जरूरी है। यह हर महिला की ताकत, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का राजस्थान में 11 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। उन्होंने हाशिए पर मौजूद महिलाओं के उत्थान में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में लखपति दीदी योजना की घोषणा की। इसमें 2 करोड़ महिलाओं को लघु उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण शामिल है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि कोई देश अपनी 50% आबादी को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकता। देश के लोगों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी एक विकसित राष्ट्र के रूप में मनाएगा। महिला सशक्तिकरण अपने आप में महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की वर्कफोर्स में समान भागीदारी सामाजिक और आर्थिक प्रगति में भी अहम योगदान देती है। कोई भी देश अपने 50